अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में प्याज का जिक्र फरमाया है तिब नबी में प्याज का जिक्र है सुबह अल्लाह और हमारे घरों में जब खानों में प्याज ना हो तो खाने लजीज नहीं बनते सलाद में प्याज खानों में प्याज तमाम डिशेज में प्याज और प्याज जो है ताफुन को ख़त्म करता है माजी में जब भी ताफून आया है उन्नीस सौ अठारह में ताफुन आया जब किसी को कुत्ता काट ले जब कोई जहरीला बिच्छू काट ले जब कोई मक्खी काट ले तो यही प्यास का पानी पिलाया जाता है और यही प्यास बैरूनी तौर पर उसका लैब किया जाता है तो अल्लाह शिफा देता है प्याज का अचार बनाने का आपको तरीका बताता हूँ घर में बनाइए हर किस्म के ताफन से बचिए और रोजाना इस्तेमाल करें थोड़ा सा प्याज का अचार तो इससे जो है आप ताफन से बचे रहेंगे हैजा की वबा से बचे रहेंगे और मेदा को तकवीत मिलेगी और जिनका मैदा खराब है वो प्याज का अचार लाजमी इस्तेमाल करें इस प्याज के अचार से आप मराज मैदा का इलाज कर सकते हैं प्याज काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इसमें जो है नमक डालिए राई डालिए जीरा से आ डालिए अजवैन आप डालिए और फिर जो है इसमें सिरका आप डालिए और सिरका के बारे में नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सिरका बेहतरीन सालन है सिरका बेहतरीन सालन है तो सिरका आप इतना डालें कि दो उंगल ऊपर रह जाए फिर इसको मर्तबान को जो है धूप में रखिए जब अचार तुर्श हो जाए चंद रोज आपने धूप में रखना है फिर आप इसको महफूज कर लीजिए और साल के बारह महीने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं